हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पीएचडी एडमिट कार्ड को लेकर के कब जारी किया जाएगा और इनकी एग्जाम्स डेट क्या है। तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जो है कि एक नोटिस दी गई है, जिसमें से आप देखेंगे कि जो है कि पीएचडी प्रवेश समिति की बैठक में माननीय कुलपति महोदय के अनुसार 15/6/2022 के अनुमालन में राजस्व बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पीएचडी प्रवेश संबंधित तिथियों में परिवर्तन किया गया था, जिसमें से वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि थी आपकी 10 जुलाई से और परीक्षा की जो तिथि है वो 17 जुलाई है और उत्तर कुंजी सार्वजनिक की जाने की तिथि 29 जुलाई है और आपत्ति हेतु आवेदन तिथि 25 जुलाई तक है और उत्तर आपत्ति निस्तारण तिथि जो है 30 जुलाई से और परीक्षा पर परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथि 5 अगस्त है। तो व्यूअर्स, हम लोग चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखेंगे कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल बार में जाएंगे, vbspu.ac.in पे जो है सर्च करेंगे। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो है कि वेबसाइट आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी करके। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल पोर्ट्रेट में कर लेंगे, यहाँ पे आपको रिसर्च वाला ऑप्शन आएगा, रिसर्च वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अपने मोबाइल जो है कि पोर्ट्रेट में कर लेंगे, डेस्कटॉप टॉप में नहीं कर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पीएचडी ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा। पीएचडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एडमिशन वाला ऑप्शन है, एडमिशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो है कि अभी किसी भी तरह का जो है कि जो है कि आपको पीएचडी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं जो है कि आगे जो है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फार्म वाले ऑप्शन पे इसको पोर्ट्रेट में कर लेते हैं पुनः जो है। यहाँ एग्जामिनेशन फार्म वाले ऑप्शन पे आप आएंगे तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे एडमिट कार्ड 2021-22 वाला ऑप्शन आएगा, ठीक, इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार के हो जाएगा, एडमिट कार्ड इशू प्रोविजनल फॉर पर ऑर्डर टू ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद पास्ट टाइम राइट कैन इतना डेट इतना के अकॉर्डिंग। आप क्लिक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो है कि आपका रोल नंबर मांगा जा रहा है, DOB मांगा जा रहा है आपको। अगर उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय अगर रोल नंबर मिला है तो रोल नंबर डालेंगे, यहाँ से हो सकता है डाउनलोड हो जाए। मेरे पास कोई जो है कि हमने फिलअप नहीं किया था, पिछली बार फिलअप किए थे तो उसका अलग प्रोसेस था, ऑनलाइन ही डाउनलोड हुआ था, मगर यहाँ पे दे रहा है, आप लोग देख लेंगे। अगर यहाँ से नहीं डाउनलोड हो रहा तो रिसर्च वाले ऑप्शन पे जहाँ से हम लोग गए थे, रिसर्च वाले ऑप्शन से PhD एंट्रेंस वाले ऑप्शन वहाँ पे जहाँ से सब नोटिस दिया गया था वहाँ नोटिस के बगल में हो सकता है आएगा, तो हम आप सभी छात्रों को सूचना देंगे। अगर यहाँ से डाउनलोड हो रहा है तो आप डाउनलोड करिए, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि नहीं तो इस वीडियो को हटा देंगे, नहीं तो ढेर सारे छात्र जो है कि परेशान होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।